दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रेस के साथ बेड की हाइट कितनी रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे, तो दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले देखते हैं बेड के साथ मैट्रेस का मेजरमेंट किस तरीके से लें, इसकी हाइट किस तरीके से मेज़र करें। तो इस तरीके की मेज़र टेप चाहिए आपको। यहाँ से फ्लोर से लेके आपको टोटल मैट्रेस का जो टॉप है वहाँ तक का मेजरमेंट लेना है। अगर इसकी टोटल हाइट देखें विथ मैट्रेस तो 19 इंच की टोटल हाइट इसकी दिख रही है, और ये जो नीचे का बेड है इसकी जो हाइट है 13 इंच के आसपास है, और मैट्रेस की जो हाइट है वो यहाँ से अलग आएगी, ऑलमोस्ट 5 इंच के आसपास मैट्रेस है। इसके अंदर गैप भी रहता है बहुत सारे बेड के अंदर, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 इंच का गैप है। तो आपको ये डिसाइड करने से पहले, मैट्रेस की हाइट और बेड की हाइट डिसाइड करने से पहले ये भी देख लेना है कि मैट्रेस कितना अंदर तक जा रहा है, कितने इंच अंदर तक जा रहा है, ताकि आप मैट्रेस की हाइट भी उस तरीके से डिसाइड कर पाए। दोस्तों आमतौर पे अगर विथ मैट्रेस बेड की टोटल हाइट देखें, जो आइडियल हाइट है वो है 18 इंच से लेके 21 इंच, मगर ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ये वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स करता है आपकी हाइट के ऊपर, आप कितने टॉल है उसके ऊपर डिपेंड करता है विथ मैट्रेस बेड की हाइट कितनी रखे। दोस्तों विथ मैट्रेस बेड की हाइट कितनी रखनी चाहिए इसका एक सिंपल तरीका है, आप अपने घर पे आराम से ये मेज़र कर सकते हो। आपको सिंपली एक मेज़र टेप लेना है, और आपका जो ये नी एरिया है, मिडल ऑफ योर नी एरिया से लेके आपका जो फीट है, फीट का जो बॉटम एरिया है उसका मेज़रमेंट लेना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये 19 इंच आ रहा है, तो आपके लिए 19 इंच का हाइट विथ मैट्रेस बेड का टोटल हाइट 19 इंच आइडियल है। अगर आपका ये एरिया ज़्यादा आ रहा है तो आपके लिए ज़्यादा हाइट वाला बेड प्रिफरेबल रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा, और अगर इससे लो आ रहा है, लो हाइट आ रहा है, लो ये डिस्टेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको विथ मैट्रेस बेड की हाइट डिसाइड करनी है, वो आपके लिए प्रिफरेबल और कंफर्टेबल रहेगी। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया। देखिए ये जो मेज़रमेंट था वो 19 इंच का आया था, ये यहाँ पे हमने जो बेड रखा है विथ मैट्रेस तो ये भी टोटल 19 इंच का आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर अगर बैठता हूँ तो आप देख सकते हो ये कंफर्टेबल रहेगा। देखिए ये जो नी एरिया है वो प्रॉपरली, और ये थाई सपोर्ट भी प्रॉपर मिल रहा है। अगर ये हाइट ज़्यादा होता तो ये जो लेग है वो हवा में ऊपर रहते हैं, नीचे सरफेस तक टच नहीं करते, तो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, मगर ये प्रॉपरली कंफर्टेबल है मेरे लिए। दोस्तों मेरा फ्रेंड है कुलदीप, उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच की है। देखते इसका जो मेज़रमेंट है नी एरिया से लेके फीट का जो बॉटम है उसका एरिया, जो इसका मेज़रमेंट आ रहा है टोटल 23, आप देख सकते हो 23 है, और इसका जो हाइट हमने बेड के साथ देखा था वो 19 इंच का था। दोस्तों अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट से ज़्यादा है, तो आमतौर पे ये एरिया है वो ऑलमोस्ट 23 के आसपास रहेगा, तो 23 की हाइट आपको चाहिए विथ मैट्रेस। आप देख सकते हो ये 19 इंच का टोटल हाइट है, तो क्या दिक्कत आ रही है, ये जो नी एरिया है ये प्रॉपरली थाई सपोर्ट नहीं दे रहा है, यहाँ पर पूरा क्रॉस हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि नी का प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। अगर आप लो बेड यूज़ करते हो आपके हाइट के हिसाब से, तो आपके लिए ऑलमोस्ट 23 इंच का हाइट चाहिए विथ मैट्रेस बेड का। दोस्तों अगर ज़्यादा हाइट है बेड की तो क्या दिक्कत आएगी, आप देख सकते हो ये ज़्यादा हाइट है यहाँ पे, तो मेरे जो लेग है वो हवा में इस तरीके से रहते हैं, फ्लोर के ऊपर टच नहीं करते हैं, तो रेगुलर मैं इसको यूज़ करूँगा तो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा रेगुलर यूज़ के अंदर, तो ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं रहेगा। इसका जो टोटल हाइट है ऑलमोस्ट देखे तो ये 21 का हाइट है। अगर ज़्यादा टॉल पर्सन है तो उसके लिए ये कंफर्टेबल रहेगा, मगर मेरे लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। दोस्तों आजकल लो बेड कल्चर चल रहा है मार्केट के अंदर, लोग लुक के लिए अपने मैट्रेस का जो हाइट है, बेड का हाइट है, वो कम रखते हैं, मगर ये हेल्थ वाइज इतना बेनिफिट वाला काम नहीं है। आप देखिए अगर लो बेड है तो दिक्कत क्या आएगी, ये जो नी एरिया है, एंकल एरिया है, बेस ऑफ योर स्पाइन है, हिप एरिया है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है जब आप इसके ऊपर से इस तरीके से खड़े होते हो, और वापस जब आप इसके अंदर बैठते हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। हालांकि लुक में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मगर हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो लो बेड
कल्चर जो चल रहा है वैसे गलत नहीं है, मगर हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, लुक में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके का लो बेड मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। लो बेड आपको प्रॉपर हाइट रखना है अपने बेड का, बेस ऑफ योर लेग फीट से लेके मिडल ऑफ योर नी, ये जो मेजरमेंट है वही हाइट आपके बेड का विथ मैट्रेस आपके लिए आइडियल होगा। आमतौर पे अगर देखें तो बच्चों के रूम के अंदर आप लो बेड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी इसके ऊपर करवट बदल के नीचे गिर जाने का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि लो बेड है। अगर बच्चा नीचे गिरता भी है तो उसको इंजरी वगैरह नहीं होगी। खास करके पेरेंट्स रूम के लिए, पेरेंट्स रूम में तो आपको आइडियल हाइट ही रखना है, ताकि पेरेंट्स को इन फ्यूचर, अगर ओल्ड एज पेरेंट्स है तो इन फ्यूचर बैक पेन रिलेटेड या जॉइंट पेन रिलेटेड इश्यू ना आए। एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि हम दो पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों की हाइट अलग अलग है, तो कौन से हाइट का हम अपने बेड विथ मैट्रेस कौन सा हाइट रखें। तो इसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर दोनों में से किसी एक को भी जॉइंट पेन या बैक पेन रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप उसकी हाइट है वो कंसीडर करें और उसके हिसाब से आपका बेड विथ मैट्रेस बनवाएं। अगर दोनों को कोई इश्यू नहीं है, अगर एक को ही इश्यू है तो दूसरा जो पार्टनर है उसके लिए आप यहाँ पे स्टेप स्टूल रख सकते हो, ताकि उसको भी मैट्रेस के बेड के ऊपर जाने में या उससे नीचे उतरने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस तरीके से अपने बेड की हाइट विथ मैट्रेस सिलेक्ट कर सकते हो। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि पहले बेड लेते हैं बाद में मैट्रेस लेने जाते हैं, तो बेड की हाइट ज़्यादा या कम होती है तो उसके हिसाब से मैट्रेस की हाइट कम या ज़्यादा लेनी पड़ती है, तो कंफर्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आमतौर पर हम लोगों को बताते हैं पहले आप मैट्रेस ले लीजिए बाद में बेड ले, ताकि आपको आइडिया है कि कितनी हाइट आपको रखनी है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में, ये जो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया उसके बारे में, तो आप हमें पूछ सकते हो, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।